बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में शुक्रवार 2 नवंबर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला परनाला स्कूल की तरफ से सत्यवीर जी की सेवानिवृत्त पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों ने अपने अपने तरीके से सत्यवीर जी के बारे में बताया कि सत्यवीर जी एक अच्छे अध्यापक है और उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। सेवानिवृत्ति पार्टी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला करनाला स्कूल के स्टाफ ने सत्यवीर को उपहार देकर उनके मान सम्मान भी किया। वहीं इस कार्यक्रम सत्यवीर जी की सेवानिवृत्त पार्टी में श्रीमती विजय लक्ष्मी मुख्य शिक्षिका ने अपने गाने के जरिए भी सत्यवीर जी को तोहफा दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य शिक्षिका किरण बाला, श्री विजय लक्ष्मी राजकीय प्राथमिक पाठशाला श्री नरेश कुमार, श्री कृष्ण शिकारा, राजबाला, निर्मला जैन, सुनीता, रोजी जैन, मीना कुमारी, राजेश मोनिका, संतोष, सुशीला, जयंती आदि मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में विजय लक्ष्मी मुख्य शिक्षिका ने अपने गाना की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया और सत्यवीर जी गाना सुनकर बहुत ही खुश नजर आए। मेरे को एक पुराना गीत याद आ गया है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बीच में। अब ही अलविदा मत कहो दोस्तों, मैं जाने कहाँ फिर मुलाकात, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसर के साथ तो होगी ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ये प्यार डूबी हुई रंगीन फिजाए, ये चेहरे ये मौसम जवां रुत ये हवाएं, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी ख्वाबों मेरी वो चाहे मुलाकात तो हो। नाम बताएं मैडम आप, श्रीमती किरण बाला। आज सत्यवीर जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है और कौन सी ऐसी वो बातें याद आएंगी जो वो नहीं होंगी? दुख और सुख दोनों का, खुशी का और दुख का दोनों का अनुभव है, क्योंकि दुख इस चीज़ का कि एक साथी भी छोड़ रहे हैं और दुख सबसे बड़ा दुख ये कि वो एक ऐसे सदस्य थे उनके जो मेरे यानी सुई का काम करवाना चाहते थे, पढ़ाई में तो थे ही माई। अगर मैं तो बताएं जिस तरह शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में उनका क्या योगदान रहा है अभी तक विद्यालय में? शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 30 साल और 3 महीने 13 दिन की सर्विस पूरी की है अपने जीवन काल की, और वो 88 से सर्विस में हैं जिला सिरसा से। तो अभी इसी स्कूल में जीतीश परनाला में वो 17 में आई थी और 13 से अब तक उनका योगदान, क्योंकि वो एक खेल खेल में शिक्षा देने वाले शिक्षक थे तो बहुत ही सराहनीय काम था, और उनकी शिक्षा एक अनुशासित शिक्षा थी, उनका पढ़ाया बच्चा अनुशासित होने के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा निकला है। ये मेरे स्कूल के लिए एक गर्व की बात है कि एक ऐसा शिक्षक जो मैं आज उनको विदा कर रही हूँ, उसका दुख का कारण है मेरा कि रिटायरमेंट हो रही है। कैसा लग रहा हो, आपको बुलाया गया, विशेष आमंत्रित किया गया? जैसे मास्टर जी के साथ मैंने करीबन 3 साल का टाइम गुजारा, मास्टर जी हर काम में माहिर हैं और सहयोगी हैं, उनकी नेचर भी बहुत शांत है, गुस्सा शायद ही मैंने कभी देखा उनके फेस पर, और छोटे से लेकर बड़ा काम तक भी करने में कभी पीछे नहीं रखते हैं। उनसे मैंने एक ही शिक्षा पाई है कि कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैंने उनके जीवन का ये तरीका जीने का बहुत ही अच्छा लगा और वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ रिटायर हो रहे हैं, इस बात की हमें बेहद खुशी है, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की पार्टी के हमें बुलाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा उनका तय दिल से। मैं कुत्तावट गांव में ज्वाइन किया था और वहां पर मेरी 16 साल की शुरू से ही और बहुत ही अच्छा हिसाब किताब रहा, बच्चे बहुत कामयाब भी हुए। पहले बच्चों में पढ़ाई की इच्छा नहीं थी, लेकिन अपनी तरफ का सेटअप होते हुए उनको काफ़ी मेहनत करवाई गई, क्योंकि रात को भी सेटअप हमारा वहीं होता था, इतनी दूर से अप डाउन नहीं हो सकते। उसके बाद में दो साल और रहे रत्ताखेड़ा गाँव के अंदर, वहाँ गाँव का जो सरपंच था वो मेरी ट्रांसफ़र अपने गांव में करवा ले गया, तो 2 साल हमने वहां भी सेवा दी और उसका रिजल्ट बच्चों ने भी अच्छा दिया। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई कांग्रेस की, तो उन्होंने अंतर जिला स्थानांतरण खोले गए, तो उस टाइम मैं जज डिस्ट्रिक्ट में बिछाण गांव में आया और 6-7 साल मैंने वहाँ भी सर्विस की। उन्होंने भी बच्चों ने भी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छे सीखे हैं, हमने भी काफ़ी मेहनत की है,
उसके बाद में ट्रांसफ़र मेरा यहाँ हो गया, 5 साल मेरे को यहाँ भी हुए और यहाँ भी कोशिश की है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपके स्टाफ ने भी यहाँ आपके रिटायरमेंट के अंतिम जो है पार्टी रखी गई है, तो कैसा लगा? और मेरे स्टाफ ने, मेरे साथ मेरे भाई आए हुए थे, उनको बहुत ही अच्छी इज्जत दी जो मैंने आज तक कहीं देखी है। मेरे नौकरी के अंदर हमसे कम से कम 50 आदमी रिटायर। अब आप रिटायरमेंट हो गए सर, उसके आगे क्या करोगे आप? बस जी कुछ नहीं, अपनी सेवा अपने क्या बच्चों को आगे पढ़ाते रहेंगे या कोशिश करेंगे जहाँ भी समय मिलेगा जरूर 2 या घंटे 3 घंटे किसी स्कूल में सरकारी में अगर मदद मिली तो हम जरूर पढ़ाएंगे।